हनी हनी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाले का नाम भरोसा कम होता जा रहा है तुम्हारा ये नाम जिस तरह के नाम ढूंढ के लाते हो प्री बुकिंग करके क्या अचार डालूं अचार ने वैसे मैंने खाया नहीं कभी अचार भी इंटरेस्टिंग आइडिया है देखते हैं बाइक का अचार कैसा होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या मतलब आई डोंट नो ओके हाय गाइस वेलकम टू टाइम्स ड्राइव्स Q&A एपिसोड 4 And in this, we are going to majorly talk about Kia Seltos and MG Hector. And so, I'm Kranti Sambhav, he's Question Kaifee Kumar. Kaifee Ali. Question Kumar, that's what he calls. So, we're going to start with one basic question. Kia Seltos or MG Hector? I drove both of them. I really enjoyed both the cars. Yahan, agar main kahun, stability, performance or handling ke hisab se, Kia has better variants. उनके पास तीन इंजन है उनके पास चार यू नो ट्रांसमिशन ऑप्शन प्लस जीटी लाइन है टेक लाइन है ओवरऑल 16 कॉम्बिनेशन वेरिएंट्स का बन रहा है यानी हर एक कस्टमर के लिए कुछ ना कुछ खास होने वाला है तो दे आर वेरी एग्रेसिव एज फार एज वेरिएंट्स आर कंसर्न सो वहाँ पर आपको ज़्यादा चॉइसेस मिलेंगे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर किया सेल्टोस बाकी सभी एस्पेक्ट में आप बाजी मारती हुई नजर आ रही है अगर स्पेस की बात करें स्पेस के हिसाब से एक्टर इज समथिंग विच आई रियली एंजॉयड आई रियली लाइक्ड एंड ऑब्वियसली जो उनका स्मार्टफोन फीचर्स है इंटरेस्टिंगली किया आल्सो हैज मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो आप वेन्यू में आपने देखा था या फिर हेक्टर में हमने देखा है मोस्टली सब इसमें भी उन्होंने रखा है लेकिन वो हेलो एम जी की तरह हेलो किया करने की जरूरत नहीं है सो दोज आर द फीचर्स विच आर गोइंग टू देयर इन किया एज वेल तो अगर प्राइसिंग उनकी ठीक रहे और आपको स्पेस ज़्यादा नहीं चाहिए देन आई थिंक सेल्टोस सेल्टोस नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अश्विनी भाटिया एंड ही इज आस्किंग अबाउट द फ्यूल इकोनॉमी ऑफ ओके सो वो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है अश्विनी डिडंट वॉच हर रिव्यू उसमें था हाँ उसमें दिया था सीरियसली हाँ दिस इज नॉट डन अश्विनी प्लीज अब गो टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच The review. But still, जो पहली बार आए हैं उनको बता दे कि तीन इंजन ऑप्शंस हैं जहाँ 1.4 पेट्रोल है 1.5 पेट्रोल है 1.5 डीजल है जिसमें 1.4 पेट्रोल की अगर बात करें एफिशिएंसी इज 16.5 इज फॉर द ऑटोमेटिक वर्जन एंड 16.1 इज फॉर द मैनुअल वर्जन और वहीं अगर हम 1.5 पेट्रोल की बात करें सो 16.8 इज़ फॉर द ऑटोमेटिक वर्जन एंड 16.5 इज़ फॉर द मैनुअल वन डीजल ज़्यादा किफ़ायती है दैट इज़ 18 फॉर आई थिंक द ऑटोमेटिक वर्जन 21 फॉर द मैनुअल वर्जन जो टेस्टेड माइलेज है माइलेज फिगर्स सो इट वेरीज बिटवीन 16 टू 21 पेट्रोल और डीजल अगर दोनों को मिला ले तो ओके सो जॉय बनर्जी इज आस्किंग Kranti Bhai, please also inform what all variants would get, what all features. So basically, this is a very very long. long I think इसके लिए एक हम लोग अलग से लंबा सा वीडियो करेंगे जिसमें हर एक वेरिएंट्स के हिसाब से, because कंपनी जो कह रही है 30 से 40 ऐसे उनके फीचर्स हैं जो कि सेगमेंट में सबसे बेहतर हैं. और वो उसकी लिस्ट हम देखते हैं. I will try and make another video जिसमें वेरिएंट वाइज हम सब जानकारी आपको दें. और I think उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए आप सो पीपल आर सो बेसिकली रोशन प्रधान एंड देयर आर फ्यू अदर्स दे आर आल्सो कॉलिंग लाइक किया सेल्टोस एंड दे आर कंपेयरिंग किया सेल्टोस विद जीप कंपस एंड दे आर जीप कंपस इज अ बेटर ऑप्शन देन किया सेल्टोस दैट्स व्हाट दे आर सेइंग सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट आई थिंक जो परफॉर्मेंस के हिसाब से आई एंजॉयड किया सेल्टोस नो डाउट लेकिन जीप जो है परफॉर्मेंस के हिसाब से कहीं आगे है अगर आप देखें उसकी हैंडलिंग पकड़ उसकी पूरी लेगेसी बहुत हद तक ऑफ रोडिंग वाली है सो आई थिंक इफ़ यू आर यू नो परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट यू लाइक ड्राइविंग यू वांट टू टेक इट टू डिफिकल्ट टेरेन्स आई एंड यू कैन अफोर्ड और व्हाटएवर यू नो इट फिट्स योर बजट गो फॉर कंपस अदरवाइज फॉर ऑल अदर प्रैक्टिकल रीजंस सेल्टोस इट्स ब्रिथ लेक बाय उत्तराखंड ही द पर्सन इज कॉलिंग किया सेल्टोस इंफोटेनमेंट सिस्टम एज चीप व्हाट डू यू थिंक I don't think it looked bit the kind of design elements we saw exterior you know exterior of Kia Seltos as well as the interiors it looked premium it looks nice and the infotainment system but that was something which stood out in not in a positive manner wo thoda sa
थोड़ा सा अटपटा लगेगा साइज वाइज के हिसाब से, बट ऑल्सो बिकॉज एक्सटीरियर और इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, उसमें कोई शक नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको बड़ा वो लगेगा, बट आई विल नॉट कॉल इट चीप। उसमें जो फीचर्स थे कई सारे स्क्रीन एक साथ चल रहे थे, इट वॉज वेरी प्रैक्टिकल फंक्शनल, प्लस टॉप एंड में आपके बोस के साथ 8 स्पीकर्स हैं और मैंने ऑडियो क्वालिटी भी सुनी, तो अगर आप म्यूज़िक लवर हैं फिर मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई शिकायत होगी इससे। सो भरत राम इज आस्किंग दैट ही हैज बुक्ड 7 DCT टर्बो किया सेल्टोस एंड ही इज 6'1", सो बेसिकली ही इज आस्किंग अबाउट द हेडरूम, लो हेडरूम। आई थिंक स्पेस वाइज हेडरूम वाइज इट वाज ओके, इट वाज नॉट वेरी स्पेशियस, लेकिन सेकंड रूम में नी रूम के हिसाब से भी अगर देखें तो इट वाज एडिक्वेट। ऐसा नहीं है कि दैट्स व्हाई जो शुरुआत में बोल रहा था, अगर आपके पास आपको स्पेस चाहिए तो फिर हेक्टर इज अ गुड चॉइस, क्योंकि वहाँ पिछली सीट पर भी आपको काफ़ी स्पेस मिलती है, अदरवाइज किया सेल्टोस एडिक्वेट स्पेस एवरेज इन हाइट के लिए मुझे लगता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय नवीन हड्डा। हेलो क्रांति सर। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, योर वर्क इज अमेजिंग। एक्चुअली आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, दैट आई वांट टू परचेज अ बाइक ऑफ बजट अराउंड 1 lakh। आई एम कंफ्यूज बिटवीन FZS V3, अपाचे RTR 180, अपाचे 160, 4V, पल्सर 150, एवेंजर 160। Please suggest if there is any other bike available except these, but I like FZS V3 of these most. You answered your question. So if you like it, I think you should go for FZS. अच्छी बाइक है, it looks cool, थोड़ी न्यू भी हो गई है, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा लगेगा, फिट फिनिश भी अच्छा है, प्राइस मेंटेनेंस मे बी बाकी कॉम्पिटिटर की तरह उतना अच्छा नहीं होगा, बट वेन यू लाइक द बाइक आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट, क्योंकि उनके नखरे भी हम बड़े आसानी से फिर झेल सकते हैं। अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट जिनको द कार्स और बाइक्स और मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स विच वी लाइक, अगर वो नखरे देते हैं तो फिर वी डोंट कंप्लेन। तो जो पसंद आ रही है गाड़ी आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट। सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आकाश चंद्रा ने पूछा है, सर डू यू नो अबाउट द रेड कलर शोन वाइल अनवेलिंग ऑफ किया सेल्टोस, द सेम रेड कलर विच यू शोड इन योर वीडियो। ओके, सो अगर ध्यान से, सो आई थिंक यू शुड ट्राई एंड सी कि हमने कलर करेक्शन को ज़्यादा करेक्ट तो नहीं कर दिया था, क्योंकि वो जो गाड़ी मुझे याद है मैंने चलाई थी, दैट वाज ऑरेंज एंड इट्स नेम एंड इट्स कॉल्ड पंची ऑरेंज, रेड इंटेंस, रेड इंटेंस रेड जो मैंने मुझे, हाँ वो मरून टाइप की मुझे लग रही थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या, मतलब आई डोंट नो, केवल नाम जानना था। He's just asking, you know about the color? Yes. Colorblind. No, कभी कभी लगता है, but anyway. Next question by Cowboy. Cowboy Chitransh. You are Xerox copy of Guruman. We'll show the audience Guruman कैसे दिखते हैं. सही, मतलब बहुत ही नजदीकी मतलब मामला है. Body मतलब से थोड़ी सी बेटर है. थोड़ी. हाँ. वो पैक भी मेरे ख्याल से कितने 10 packs तो लग रहे हैं। No clue. वाह, हाँ मतलब वही, I like this. Very accurate. Very accurate. बहुत अच्छी इन्होंने। बिल्कुल सही। सटीक इनका observation. सही पकड़े। संभल के रहना। Bicep देखे मेरे। डोले शोले। हनी हनी। Next question पूछने वाले का नाम। Pre-booking करके क्या अचार? भरोसा कम होता जा रहा है तुम्हारा। ये नाम जिस तरह के नाम ढूंढ के लाते हो। प्री बुकिंग करके क्या अचार डालूं? अभी मैं 1000 rupees दे के बुकिंग तो कर लूंगा एंड देन ये ऐलान कर दें कि 3 lakh की प्राइस है बाइक की रिवोल्ट, तो फिर क्या होगा? हाँ, अचार ने वैसे मैंने खाया नहीं कभी, अचार भी इंटरेस्टिंग आइडिया है, देखते हैं बाइक का अचार कैसा होगा, बट ओके ओके, बहुत अच्छा जोक था ये वैसे। 89 बहुत अच्छा जोक था ये, समझ नहीं रहे हो तुम। रिफंडेबल है कि नहीं? हाँ, रिफंडेबल है, पूरा पैसा जो है रिफंडेबल है। और कमिंग बैक टू माय जोक, आई थिंक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जोक था ये, टॉप 10 में आएगा ये बिल्कुल। 91 ठीक है, तो मिलेनियल्स जो है ना पार्क ही नहीं हो तुम अच्छे जोक्स के, हाँ तुम्हें बस मीम्स पसंद है। जो बॉस बोले वो सही है। सही। ओम पाटिल इज आस्किंग हाउ टू चार्ज बैटरी ऑफ रिवोल्ट बाइक। सो रिवोल्ट बाइक की जो बैटरी है, 3 तरीके से उसको चार्ज कर सकते हैं। सो बेसिकली दे हैव स्वैप स्टेशंस, आपकी डिस्चार्ज बैटरी लेके जाओ एंड दे विल गिव यू द चार्ज बैटरी, सो दे विल ओपन द स्वैप स्टेशन, दैट्स व्हाट दे डू।
एंड देन आप बैटरी निकाल के घर ले जाओ, ऑफिस ले जाओ, जहाँ ले जाए, एंड डायरेक्टली जैसे आप लैपटॉप या फ़ोन चार्ज करते हो वैसे चार्ज कर सकते हो. एंड द थर्ड ऑप्शन इज होम डिलीवरी. नहीं, दैट इज डिफरेंट. सो थर्ड ऑप्शन इज सिंपल प्लग इन. That is the first option. So there is one socket. आप सीधे 15 ampere या 5 ampere वाला जो plug होता है basic, उससे आप plug in कीजिए, वो आप उसको charge कर सकते हैं. दूसरा option ये है जो आप battery को लेके carry करके ऊपर जहाँ भी, अगर आप multi story में रह रहे हैं या office लेके जाना है charge करने, so then you can carry it. Only thing is that थोड़ा सा और तुम्हें, जैसे मेरा देखा ना अभी visual, मेरे भाई भारी ना है battery. हाँ, 18 kilo का थोड़ा सा. 18 kilo की battery. 18 kilo की battery. So 18 kgs. उठाने के लिए थोड़ा सा करना शुरू करो प्रोटीन सप्लीमेंट. और तीसरा तो वो जो स्वॉप स्टेशन, वो भी मोबाइल भी होगा वो कई बार, मतलब दे वर्किंग ऑन. सो विद दिस वी गोना एंड दिस वीडियो विद आवर कमेंट ऑफ द वीक, ओके, व्हिच इज बाय अभिषेक शुक्ला. एंड दिस वाज ऑन द सेल्टोस वीडियो एंड ही सेइंग आई ऑलवेज लाइक्ड योर वीडियो बिकॉज of your high bass. Wow. High bass voice. Oh. Too good it is. Thank you. Thank you. Wasn't heavy. Personality, ये 91 हो रहा है. ये 91. Personality. बिल्कुल 91 है. और आवाज़ maybe. आवाज़ में फ़ायदा. So with this, bye bye.